सो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। हम लोगों ने लास्ट सेशन में ट्रीटमेंट गुडविल कंप्यूट करना सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे कि हम यहाँ पर गुडविल को कैसे करके एडजस्ट करेंगे। जैसे हमको लेट से दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपको दिया हुआ है साथ ही साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप यहां पर कंप्यूट करते हैं, आपको आता है, मैंने पहले ही सेशन में आप लोगों को सिखाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सेक्रीफाइस और गेन निकालना। ये आप लोग कैसे करके निकालते हैं सेक्रीफाइस और गेन? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? तो सेक्रीफाइस आपका निकल करके आता है ओल्ड रेशियो माइनस, और गेन उल्टा हो जाता है आपका न्यू माइनस ओल्ड, राइट? अब देखिए होता क्या है, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करता है किसको? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो अब हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी बेसिकली एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं? ये एंट्री हम लोग पास करते हैं, ये आता है आपका बाय द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ गुडविल। और यहां पर आता है आपका बाय द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुडविल, राइट? ये हमारी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ गुडविल। और एक में आता है बाय द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुडविल। जैसे यहाँ पर अगर हमने बात करें तो लेट्स से तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, थ्री टू वन, सॉरी, मगर अब लेट्स से रेशियो हो गया है फोर थ्री थ्री, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस। हमने कहा लेट्स से, हमने कंप्यूट किया पूरी फर्म की गुडविल आती है लेट्स से हमारे, राइट? तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब आप यहाँ पर गेन और सेक्रीफाइस निकालोगे तो हम यहाँ पर सेक्रीफाइस से स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस होता है ओल्ड रेशियो माइनस ए के लिए कितना आएगा? ओल्ड है थ्री बाय सिक्स, मैम का क्या हुआ? दर्शक मैम एक बार पूछिएगा, मैम से कहिएगा एक बार एम्फसाइज करेगा, मैम आइएगा क्लास के लिए। बीकॉम करवा दीजिए, हाँ वाइफ तक। थ्री बाय सिक्स माइनस फोर बाय टेन, तो यहाँ पर आपका शायद एलसीएम आएगा थर्टी, क्या थर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 15 माइनस 12, 15 माइनस तो 3 बाय, क्योंकि आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया था और पॉजिटिव आ रहा है इसलिए सेक्रीफाइस आ रहा है। बट अब आगे अगर ध्यान से देखें बी के लिए 2 बाय 6 माइनस 30,
ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ही आ रहा है क्या? माइनस टू बाय माइनस आ रहा है ना, टेन माइनस ट्वेल्व ना, तो ये क्या होगा? केन आ गया, सही किया है आप लोगों ने। टेन माइनस नाइन का कि टेन माइनस ट्वेल्व का? टेन माइनस ट्वेल्व किसने कहा था ना, तो ये वन बाय थर्टी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर अब ये भी सी सिक्स थर्टी फिर माइनस फोर बाय ये क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए एंट्री यहाँ पर कैसे पास होगी, एंट्री यहाँ पर पास होगी कैसे? सी गेन कर रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्यों आए हो बालक? स्कूल जाना पड़ गया। अच्छा आ जाओ, तो सीज कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आएगा? देखिए आपका टोटल गुडविल था 60,000, 60,000 का 4/30, कितना है? 8,000। आई होप क्लियर है, सही है राइट। फिर ए में कितना आएगा पैसा? यहाँ पर देखिए ए का पैसा निकालने का ना दो तरीका है, एक तो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस से निकाल सकते हैं, जैसे ये आपका 60,000 इंटू 3/30 आ जाएगा, 60,000 इंटू 3/ और 60,000 इंटू 1/30, तो 60,000 3/30 और 60,000 इंटू 1/30 2,000। समझ में आ रहा है कि नहीं? 60,000 इंटू 1/30 3/30 6,000 और 60,000 इंटू 1/30 2,000, तो ये आपका हो गया 8,000, 6,000 और 2,000। आई होप ये क्लियर है, क्लियर है तो फिर बोलिए, फिर आगे की बात करें। अच्छा इसको एक और तरीका था ए और बी का, क्योंकि ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, जैसे देखो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो अल्टरनेटिवली हम लोग यहाँ पर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते थे। रेशियो क्या होता है? कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी कितना आएगा हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए इज टू बी का आएगा हमारा कितना? 3:1। क्लियर है तो फिर बोलिए, फिर आगे की बात करें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का कितना आ जाएगा? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 3:1। मतलब यहाँ ए अगर 3 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर बी 1 रुपये दे रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते थे कि सी का जो गेन था वो था 8,000 रुपये, और इस 8,000 को भी आप ऐसे बांट सकते थे 8,000 इंटू 3/4। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेसिस पर हो गया, और ये भी हो सकता था 8,000 इंटू 1/4। यहाँ पर हमने टोटल सेक्रीफाइस नहीं लिया है, यहाँ पर हमने किसके बेसिस पर बांटा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेसिस पर। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है तो फिर बोलिए, फिर आगे की बात करें राइट। तो अब यहाँ तक हो गया हो तो फिर अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब अगला ट्रीटमेंट हम लोग जो कि सीखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर ना, अब जो जो चीज़ें हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं, जैसे एक तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट सीखा फॉर गुडविल, ठीक है। अच्छा ये जो गुडविल का भी हम लोगों ने जो कि ट्रीटमेंट सीखा है, दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो ट्रीटमेंट अभी आपने सीखा था वो कैसा गुडविल का ट्रीटमेंट था? वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट था। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपका बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करता राइट।
जब भी वो आपको लिखेगा तो फिर अलग से लिखेगा, बट इफ एनी गुडविल अपियर्स इन बैलेंस शीट, अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपियर करता है, इसका मतलब क्या? इट मीन्स सच अ गुडविल इज परचेस्ड गुडविल। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अगर कोई गुडविल अगर आपका बुक्स में अपियर करता है तो फिर वो कैसा गुडविल आप क्या? परचेस गुडविल। एंड इट वुड बी रिटर्न ऑफ, और उस गुडविल का आप क्या करोगे? एंड इट वुड बी रिटर्न ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे करोगे? ध्यान सुनिएगा। जैसे सपोज करो आपके बैलेंस शीट में, गुडविल अपियर करता था, लेट्स से 21,000 रुपीज़ का। सेम क्वेश्चन जो भी एग्जांपल हम लोगों ने किया था। अब इस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया किस रेशियो में? बात समझ में रखनी। तो इस वाले गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे, राइट? तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इस 21,000 को राइट ऑफ करो। 21,000 इंटू ओल्ड रेशियो था, 3:2:1 था ना? ओल्ड रेशियो जो कि मैंने दिया था अपने एग्जांपल में, वो कैसा दिया था? 3:2:1। तो फिर 3/6, 21,000 इंटू 2/6, 21,000 इंटू 1/6। बताइए जरा सा, 10,000, फिर यही आना चाहिए। नहीं, लगभग लगभग से नहीं होता है। हाँ, नालायक। और 3,500। ऐसे ही करके तुम लोग वो 11/12, 9/12 सब खेल जाते हो और फिर मेरे को बोल के चले जाते हो। ठीक है, तो कैसे आएगा ये? समझ रहे हैं ना आप लोग ये? तो ये राइट ऑफ कर देंगे सिंपली हम लोग, राइट? अब हम लोग अगला ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सब समझिएगा, ये सब जो ट्रीटमेंट हम लोग सीख रहे हैं ना, जैसे आप यहाँ पर जो ये परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, हो सकता है सेल्फ जनरेट गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा एडमिशन में मुझे और सिखाना हो, मगर सेल्फ जनरेट गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा सेम रहेगा जो कि अभी हम सीख रहे हैं। आर यू ऑल क्लियर विद दैट? सो सेल्फ जनरेट ट्रीटमेंट वुड बी सेम दैट वी आर लर्निंग टूडे विल बी सेम इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट, डेथ, सेम रहेगा, राइट? तो मेहनत वहाँ पर बचेगी, वहाँ पर हमको दोबारा से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट सबका सब चीज़ें वहीं पर सिमिलर रहेगा, राइट? इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कोई अगर आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व है अपियरिंग इन बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट में अगर अपियर अगर करता है तो फिर क्या करोगे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ध्यान सुनिएगा फ्रेंड्स, हम लोग सब कुछ काम ओल्ड पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट में करते हैं, कुछ भी न्यू रेशियो में नहीं करते सिवाय एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, सेल्फ जनरेट वाला। बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ केवल एक ही जगह पर काम आता है, वो कौन सी जगह पर काम आता है आपका गुडविल का ट्रीटमेंट, किसमें काम आता है। उसके अलावा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पर भी यूज नहीं होता, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या रहेगा, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मेरी बात समझ में आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी, जैसे कोई भी रिजर्व है, लेट से आपका पीएल अकाउंट ही है या और कोई रिजर्व बोलो, एक मान लो एक रिजर्व नाम से है, जनरल रिजर्व है, राइट। तो पीएल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है। अब आप क्या करते हैं इस पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व के केस में, आप पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व केस में अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट्स से पीएल अकाउंट या जनरल रिजर्व मेरे पास में, सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, लेट्स से है मेरे पास में 30,000 का, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, जो भी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर का पैसा बढ़ेगा और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है तो फिर उसको राइट अप करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो जैसे यहाँ पर था पीएल या जनरल रिजर्व, फिर उसको बांटेंगे तो फिर अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व जो भी है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और हो जाएगा हमारा यहाँ पर टू सीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपका देखो पीएल अकाउंट में जैसे था 30,000 मैंने कहा, अब 30,000 को बांटो 3/6 2/6 और 1/6, 15,000 10,000 और आई होप ये क्लियर है राइट। आगे बढ़ें, आपको ना क्वेश्चन में रिजर्व के ट्रीटमेंट के लिए बोलेगा नहीं भी तो भी याद रखना आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, बोलता है सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट करो, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। मगर अगर क्वेश्चन में मतलब पूरा क्वेश्चन मांगा है, कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके दिखाओ, बैलेंस शीट बना करके दिखाओ, रिजर्व के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन कैसे करके करते हैं, आप लोग क्वेश्चन में सबसे पहले जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो इनफैक्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हमेशा से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा, पहले क्या पढ़िएगा, बैक तरीके से काम करना है, पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ो, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ो और फिर अपना बैलेंस शीट को पढ़ो राइट, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करो करना। आप लोग देखिएगा आपको क्वेश्चन करने में सक्सेस मिलेगी ज़्यादा बेटर तरीके से। थोड़ा सा ये
बैकवर्ड तरीके से काम करिएगा, जैसे जैसे अपने लोग काम करते हैं नॉर्मल तरीके से, पहले बैलेंस शीट पढ़े फिर वो पढ़े फिर वो पढ़े, तो उसमें बैलेंस शीट में क्या पढ़े थे फिर वो दिमाग में नहीं आता, राइट? तो पहले क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, फिर पढ़िएगा क्वेश्चन का बैलेंस शीट। उससे क्वेश्चन करने में आपको बहुत इजी पड़ेगा और आपके लिए क्वेश्चंस बड़े इजी वे में हो भी जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे फिर पढ़ते हैं, राइट? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली ऐसा कहता है, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा कहता है, समटाइम्स इन क्वेश्चन इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दी रिजर्व। पार्टनर्स रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ऐसा क्वेश्चन में जब खुद ही चीख चिल्ला करके कहेगा तो फिर मतलब ऐसा कहेगा कि पार्टनर्स नॉट फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, पार्टनर वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व, ऐसा कुछ भी कहेगा, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली चीख चिल्ला करके क्या कह रहा है कि रिजर्व को ख़त्म, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, रिजर्व को ख़त्म नहीं करना है, रिजर्व को रहने दो, राइट? अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इस केस में आप यहाँ पर गुडविल जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट सेम लाइक गुडविल। राइट, ट्रीटमेंट सेम लाइक गुडविल की तरह जैसा ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। जैसे आप क्या करोगे, वही एंट्री जो कि आप गुडविल के समय करते थे, क्या? यस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मगर ये कब करोगे? जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहेगा। नहीं, बांटने पर ये एंट्री कहाँ करते हैं? बांटने पर हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका बाय द अमाउंट ऑफ गेन और ये आपका बाय द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। राइट, अब ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे उसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, हमने अभी ऊपर आप लोग को पीएल बताया, पीएल कितना है हमारा? 30,000। और हम लोगों ने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी निकाला था, याद है? ए बी सी का गेन और सेक्रीफाइस भी निकाला था, जिसमें ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे 3:1, और सी गेन कर रहा था 4:10, याद है? जैसे अभी आपने जो एग्जाम्पल था इसके पहले का, इसमें आपने खुद ही कंप्यूट किया था क्या कि ए 3:10 सेक्रीफाइस कर रहा था, बी 1:10 सेक्रीफाइस कर रहा था, सी 4:10 गेन कर रहा था, और आपका पीएल कितना था? 30,000। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी में कितना पैसा आएगा? 4:10, 12,000। 30,000 इंटू 3:10
देखिए ये हमारी एंट्री होती है सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आई होप ये एंट्री सभी लोगों को क्लियर है। यही फिर वही सेक्रीफाइसिंग में भी और बी का काम अपने लोग कर सकते थे, राइट। ये हुआ हमारा रिजर्व से जुड़ा हुआ काम। हालांकि इसमें दो स्पेसिफिक रिजर्व अभी हमारे बचे हुए हैं, जो है वर्कमैन कंपनसिएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कौन कौन से हैं? वर्कमैन और एक है आपका इन्वेस्टमेंट ये दो रिजर्व है WCR और ठीक है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।